हेलो फ्रेंड्स, दीपक टेक्नो टॉक चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे वेबसाइट की जिससे आप घर बैठे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपका भी अगर यूट्यूब चैनल है या कोई न्यूज़ चैनल है या कहीं भी, अगर किसी भी जगह पे अगर किसी हमें किसी फ़ोटो की या वीडियोज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी न किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आज एक वेबसाइट के बारे में मैं बताऊंगा जिससे कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करोगे। आपको शायद पता होगा फ्रेंड्स, किसी भी वेबसाइट से अगर हम वीडियोज या इमेज डाउनलोड करते हैं तो अगर हम पर्सनल यूज के लिए डाउनलोड करते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसी चीज़ को अगर कमर्शियल यूज के लिए डाउनलोड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसमें पेमेंट देनी होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जिस भी वेबसाइट से हम डाउनलोड कर रहे हैं इमेज या वीडियोज तो जो हम पेमेंट देते हैं तो उस वेबसाइट को देते हैं, और वो वेबसाइट उसमें से कुछ अपना परसेंटेज रख के और जो वीडियो डालने वाला बंदा होता है उनको देती है। कहने का मतलब है कुछ वेबसाइट रखती है और कुछ जो वीडियो फोटोज जो व्यक्ति डालते हैं उन वो रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वीडियो या इमेज इमेज को अगर आप डायरेक्ट ऐसे डाउनलोड करके, पर्सनल डाउनलोड करके यूट्यूब में चैनल में या कहीं भी यूज करेंगे उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना किया करिए आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद चैनल किसी का ग्रो करता है और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो ऐसा ना करें। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि कैसे आप फोटोज और वीडियोज अपलोड करके थोड़ा बहुत आप लोग भी अर्निंग कर सकते हैं, और थोड़ा मेहनत कर देगा तो बहुत ज़्यादा अर्निंग भी आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है इसी से रिलेटेड है, और चलिए मैं आज शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कौन सी वेबसाइट है वो। तो फ्रेंड्स, वेबसाइट वो pixi.com के नाम से है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और फ्रेंड्स वेबसाइट का नाम है pixi.com, और यहाँ आप देख सकते हैं साइन अप एज ए फोटोग्राफर, तो आपको फोटोग्राफर के से साइन अप करना है आप, और चाहे तो आप यहाँ भर के पूरा डिटेल्स देने के बाद साइन अप कर सकते हैं या फिर साइन अप विद गूगल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ अपना फर्स्ट नेम देना है, यहाँ लास्ट नेम देना है, यहाँ यूजर नेम देना है, उसके बाद एक ईमेल एड्रेस आपको डालना है, ईमेल एड्रेस के बाद पासवर्ड डालना है, और अगर आपके पास यहाँ कोई रेफरल है, लिंक रेफरल है तो आप रेफरल डाल दो, वरना आप साइन अप यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो। तो चलिए मैं डिटेल डाल के साइन अप कर देता हूँ। मैंने साइन अप पे क्लिक कर दिया। फ्रेंड्स, साइन अप पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ पे डिटेल्स खुली हुई है, इसमें आपको देखिए क्या लिख रहा है, प्लीज चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आपको अपना ईमेल आईडी चेक करनी है। चलिए मैं अपना ईमेल आईडी चेक कर लेता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपना जीमेल पे चेक कर लेता हूँ, जीमेल पे एक मैसेज आया होगा। देख सकते हैं आप, ये ऊपर ही आ गया है, ये एक्टिवेट योर पिक्सी अकाउंट, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने कंफर्म कर दिया, यस दिस इज माय ईमेल एड्रेस, मैंने यहाँ से कंफर्म कर दिया। तो ये फिर से आपका उसी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जाना है, ये लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ यूजर नेम या ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ आपको ईमेल आईडी डाल के यहाँ पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना है। मैंने यहाँ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के मैंने इसको लॉगिन कर दिया, ये देख रहे हैं आप, लिख रहा है लॉगिन सक्सेस। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हम डैशबोर्ड पे इसके, और फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ से इसको, फ्रेंड्स यहाँ से आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप साइट कर सकते हैं, थोड़ा इजी रहता है डेस्कटॉप साइट करने में। ये आप यहाँ से डेस्कटॉप साइट कर लो, ये फ्रेंड्स आ गया। यहाँ फिर से आपको
देख सकते हैं वही सेम चीज आ गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से आप कोई भी फोटो लोगे, यहाँ से अपलोड करोगे, यहाँ देख सकते हैं। अब जब यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ से कुछ परमिशंस मांगेगा फोटोज वगैरह की, आपको परमिशन दे देना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आप कोई भी फोटो यहाँ से डाल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने ये फोटो को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डन कर दिया। डन करने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ये आप देख रहे हैं लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो जाने देते हैं फ्रेंड्स। तो फाइनली हमारी ये लोडिंग हो चुका है फ्रेंड्स, अपलोड हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये ड्राफ्ट पे हमें जाना है, देखना है। ड्राफ्ट में देख सकते हैं ये आपका फोटो लोड हो गया है इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इस फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाएंगी जो आपको भरना होगा। फोटो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ डिटेल अभी अपलोड नहीं हुआ है, लग रहा है अपलोड हो जाने देते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा फोटो कम्प्लीटली अपलोड हो गया है फ्रेंड्स। अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ आप देख सकते हैं ये टाइटल हमें डाल देना है। टाइटल डालने के बाद यहाँ टैग डाल देना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल देना है, और इसके बाद हमें सर्च मॉडल रिलीजेज ये डाल देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमें सेंड टू रिव्यू कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, ये आपका फोटो जो है रिव्यू में चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं इन रिव्यू, जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो रिव्यू में जितने भी आपके डाले रहोगे आप, वो रिव्यू में वैसे 24 से 48 घंटे में हो जाता है। यहाँ दिखता है मतलब कि 6-7 दिन दिखता है, लेकिन 6 से 7 दिन नहीं लगते, लगभग 48 घंटे में ही हो जाता है। यहाँ से आप ड्राफ्ट में देख सकते हो, यहाँ इन रिव्यू में जितने भी आप फोटो क्लिक करोगे वो अपलोड करोगे तो यहाँ रिव्यू में दिखेगा आपको। यहाँ पे नो फोटोज इन रिव्यू, अभी हमने कोई डाउनलोड अपलोड नहीं किया है। उसके बाद फ्रेंड्स से यहाँ रिजेक्टेड लिखा हुआ है, रिजेक्टेड पे क्लिक करके यहाँ आपने जितना भी फोटो डाला है उसमें कौन सा फोटो एक्सेप्ट हुआ है, कौन सा नहीं एक्सेप्ट हुआ है, वो रिजेक्ट सेक्शन में आपको दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आप अब डिटेल्स भी यहाँ से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हैं आप। ये आपको ये सेल्फी पर्सनल पिक्चर नहीं डालना है, नॉइस इमेज ब्लर ये सब नहीं डालना है, डुप्लीकेट सिमिलर नहीं डालना है, वाटर मार्क वाले फोटो नहीं डालना है, पोस्ट प्रोडक्शन इशू ये सब आपको नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ आप डिटेल खुद पढ़ लेना फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं यहाँ प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आप जाओगे, प्रोफाइल में जाने के बाद जो है यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल पूरा प्रोफाइल आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं अर्निंग्स में। यहाँ अर्निंग्स पे हम अब जितना जो भी अर्न हुआ रहेगा यहाँ पे अर्निंग्स में शो कर देगा, ये आप देख सकते हैं ये अर्निंग्स है आपका। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं पेमेंट में। पेमेंट पे आप जब क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स यहाँ आपका बैंक बैंक का नाम, अकाउंट नेम और अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड और डाल के आप उसको सेव कर दोगे, पेमेंट आपका उसी अकाउंट में आएगा। उसके बाद अगर आपके पास पेपल अकाउंट है, पेपल में भी आप कर सकते हो। पेपल अगर अकाउंट है तो पेपल अकाउंट का डिटेल्स आप यहाँ डाल सकते हो, अगर अकाउंट नहीं है तो पेपल का लिंक यहाँ आप डाल देना, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ फ्रेंड्स ध्यान देना कि
आप जो है अगर जब भी फोटो अपलोड करोगे तो उसमें फ्रेंड्स आप देखोगे शुरू में तो वहाँ लिखा रहता है कि कैसे कैसे फोटो आपको नहीं डालना है, कौन कौन सा फोटो आपको डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्फी नहीं चलेगा इसमें, कुत्ते वत्ते वगैरह की डॉगी की ये सब नहीं चलेगा। और सनसेट वगैरह जैसे डूबता हुआ सूरज हुआ, उगता हुआ सूरज हुआ, ये सब नहीं चलेगा फ्रेंड्स। अच्छे अच्छे फोटो आप डालोगे तो रिव्यू में जाने के बाद ये वो कन्फर्म हो जाएगा। कन्फर्म होने के बाद जब सेल होगा तो आपको पैसे जरूर आएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट लाइक शेयर वगैरह सब कर देना यार। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।